आप सबने भी मुझे अपनी बहन माना, अपने माँ के समान माना, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अब मेरे पुत्र हैं अंशुल अभिजीत, वो भी आपको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं और आपकी सेवा करना अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं। मैं सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मंच से, उन्होंने यहाँ की जनता की भावना को समझा, उन्होंने ये समझा कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो सबसे आखिर में खड़े होते हैं, जिन्हें कोई नहीं सुनता है, जिनके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है, जिन्हें धक्का देकर पीछे कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ है कि तेलंगाना बनना चाहिए। तो उन्होंने सुना और उन्होंने उस पर ध्यान दिया, सबकी आवाज़ है इसमें, जो दलित है उनकी आवाज़ है, जो पिछड़े वर्ग के हैं उनकी आवाज़ है, जो गरीब हैं किसी भी धर्म और जाति के हैं उनकी आवाज़ है, जो गरीब नहीं है, संपन्न है, बड़े घरों से आते हैं उनकी भी आवाज़ है, जो हमारे अक्लियत के लोग हैं उनकी भी आवाज़ है, जो हमारी महिलाएं हैं उनकी भी आवाज़ है, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सब की आवाज़ थी कि तेलंगाना बनना चाहिए। और सोनिया जी ने उसे सुना और मैं उनको आज इस मंच से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने तेलंगाना बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबको, यहाँ के कांग्रेस कमेटी को, इस मंच पर कांग्रेस के सभी विद्वतगण बैठे हैं, सभी जो जुझारू नेता हैं, और तो ये जो स्टेज है, ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों के यहाँ पर उपस्थित होने से ये स्टेज की महत्ता बढ़ गई है, ये स्टेज इतना प्रकाशमान है क्योंकि ये सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं इनका नाम पढ़ना चाहती हूँ, यहाँ पर हमारे माणिकराव ठाकरे जी गारू हैं, उत्तम कुमार रेड्डी गारू हैं, नदीम जावेद गारू हैं, रोहित चौधरी गारू हैं, दामोदर राज नरसिंघा गारू हैं, वी हनुमंत राव गारू हैं, अंजन कुमार यादव गारू हैं, महेश गौड़ गारू हैं, पूनम प्रभाकर गारू हैं, बलराम नायक गारू हैं, चिन्ना रेड्डी गारू हैं, तिरसिला राजैया गारू हैं, सुरेश शितकार गारू हैं, अनिल यादव गारू हैं, रोहिन रेड्डी गारू हैं, और अभी आपने सुना जो गदर हैं, रेवोल्यूशनरी लीडर, उनको सुना हम तो सब, उन्होंने कहा तेलंगाना तेलंगाना, जय तेलंगाना, सब कहिए जय तेलंगाना, और जोर से कहिए जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, वर्दिल्लाली वर्दिल्लाली। मेरे पुत्र है अंशुल अभिजीत और मंच पर और भी लोग हैं, क्षमा करिएगा मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, मगर सबने आगे बढ़ कर के तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी और कुर्बानी दी। यहाँ पर मेरे सब सहोदर सहोदरी इबानुलु बैठे हैं, मीडिया के मेरे सभी बंधु यहाँ पर बैठे हैं। कुछ शिकायतें होती हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि तेलंगाना हमारे जनतंत्र में, हमारे डेमोक्रेसी में, दुनिया का ये जो सबसे बड़ा जनतंत्र है जिसको हम चला रहे हैं, उसमें जनता की आवाज़ को ईश्वर की आवाज़ समझा जाता है। हमने तेलंगाना को उस ईश्वर की आवाज़ समझकर बनाया है और
ईश्वर की वो आवाज को जो रूप दिया जाता है, वो जो हमारा संसद है, हमारे जो पार्लियामेंट है, वहां पर बिल पास करके, कानून बना करके जो जनता है उसकी इच्छा को कानूनी रूप दिया जाता है, उसको वास्तविक रूप दिया जाता है, उसको अमली जामा पहनाया जाता है। वहां पर नियम है, उन नियमों के अनुसार वो कानून बनता है। सारे नियमों का पालन करके इस तेलंगाना को बनाया गया है। आपका इसकी जो भी आलोचना करे, आप उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि अगर बताए कि कौन सा कानून भंग करके ये तेलंगाना बना है। मैं जानती हूँ, और हमारे यहाँ पर बहुत से एमपी बैठे हैं जो उस समय वहाँ पर जैसे आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी थे, उस तरह तेलंगाना के लिए ये सब सेनानी थे, ये वहाँ बैठे थे। एक एक कानून का एक एक हिस्सा हम लोगों ने ध्यान से रख करके तब बनाया है। तो इसलिए दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं आती हूँ तो एक तरफ मुझे खुशी होती है, एक तरफ मुझे दुख होता है। खुशी होती है कि तेलंगाना बन गया, 9 वर्ष हो गए, 9 वर्ष का ये समय गुजर गया। तो दुख होता है कि कुछ भी नहीं हुआ इस तेलंगाना में। एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार, उनके आसपास जो लोग हैं इर्द गिर्द उनको घेरे हुए, बस उन्हीं का हुआ, जो कुछ हुआ उन्हीं का हुआ। यहाँ जो गरीब है, रोज जो कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, जिसके घर में 2 जून रोटी का ठिकाना नहीं है, जो सुबह उठ करके अपने ही आंसुओं से अपना मुंह धो लेता है, उसके लिए कुछ नहीं हुआ, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। यहाँ के किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। यहाँ के मजदूरों के लिए कुछ नहीं हुआ। किसान और मजदूर हमारे अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है। हम समझते हैं हम देश चला रहे हैं, गलत समझते हैं। ये किसान और मजदूर का पसीना जब गिरता है तब ये देश चलता है। उनके लिए कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर तरक्की के नाम पर आप थोड़ा सा बाहर जाइए, हैदराबाद से थोड़ा सा बाहर जाइए, तब आपको नजर आएगा कि तरक्की के नाम पे कुछ नहीं हुआ। तेलंगाना जिस लिए बना था वो नहीं किया गया।